नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जनवरी महीने में कुछ लड़कियां छत्तीसगढ़ से काम करने के लिए वापी के विलिस्पन कंपनी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत किसी एनजीओ द्वारा लाई गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह सभी यहीं फंस गए, जिसके बाद उन्हें उनके मूल वतन पहुंचाने के लिए ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही कंपनी प्रबंधन सामने आई। मामले की खबर जब वापी के बजरंग दल को मिली, अपने दल बल व साथी बीजेवाईएम के साथ मामले को समझते हुए करीब 30 लड़कियों को बस के माध्यम से पुनः उनके मूल निवास छत्तीसगढ़ के लिए कागजी कार्यवाही के साथ भेज दिया गया। लड़कियों ने खुश होकर माना सभी दल का आभार। बजरंग दल समय समय पर अपने विस्तार में लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहा है। वैसे ऐसे समय पर कंपनी को भी अपना दायित्व निभाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। देखिए हमारा यह वापी का खास खबर गोविंदा तमटा के द्वारा। पर 24 जनवरी को आए थे और यहाँ पर काम करने आए थे जी। हाँ, और अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, तो हमारे साथ बजरंग दल वालों ने की है और उन्होंने हमें अपनी सहयोग राशि के रूप में 20,000 दिए है और बाकी का हम खुद अरेंज किए हैं जी। वेल्सपन कंपनी की ओर से आपको क्या मदद की गई या सरकार की ओर से क्या मदद की गई? वेल्सपन कंपनी की ओर से हमें सिर्फ छुट्टी के लिए वो छुट्टी पास किए हैं। अभी हम लोग 24 जनवरी को इधर आए थे जॉब के लिए, और हम लोग ये वायरस हुआ उसमें लॉकडाउन हो गया जिसमें हम फंस चुके थे, जिसमें हम 2.5 महीने से वेट कर रहे थे घर जाना, सबसे बात किए लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर ये बजरंग दल वालों से बात हुई तो उन्होंने हमारी मदद की। हाँ। इन्होंने पूरा मदद किया, बताया कि हम लोग ऐसा सब प्रॉब्लम है, तो तुरंत लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, क्वारंटाइन के लिए फॉर्म भरवाया, तुरंत सब चीज़ करके दिया। कितने लड़की हैं आप जैसे? हम 33 हैं। 2.5 महीने बहुत खुश रहे, 5 महीने के बाद घर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश है हम लोग कि घर जाएंगे। सरकार ने कुछ मदद की थी, कंपनी ने? कंपनी ने नहीं की, सरकार ने भी कोई मदद नहीं की हमारी। बस बोल रहे थे कि बस भिजवाएंगे, बस भिजवाएंगे, बस डेट टाल रहे थे कि आएगा बस आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन ये बजरंग दल वाले ने बहुत मदद की हमारी और आज हमारी ये बस आके खड़ी है, हम बहुत खुश है कि घर जा रहे हैं। सर, आज दीकरी है 33 दीकरी सर, जमनी उम्र वर्ष 18-23 वर्ष दीकरी है। आ छत्तीसगढ़ राज्य धमतरी जिला बिलोंग करे है। प्रधानमंत्री कौशल्य योजना अंतर्गत ट्रेनिंग एक एनजीओ मध्यम थी आया था। अने एक मित्र नो फोन आयो कि आ लोग अहीं फसाया छे, छेल्ला 1.5 महीना थी जवानो प्रयत्न करे छे पण एमने कोई सहायता मळी नथी रही, जेथी करीने आमां घटतू करशो। अमे नीरज भाई जे बजरंग दलना जिल्लाना संयोजक छे एमनी साथे आव्या, अहीं अमने मुलाकात लीधी अने परिस्थिति जाणी। ए पछी लोकल अहीं वलसाड जिल्लाना कलेक्टर साहेब अने धमतरी जे आपणे छत्तीसगढ़नो जे जिल्लो छे ज्यांथी दीकरीओ बिलोंग करे छे, એમને અમે ફોન ટેલિફોનની ચર્ચા કરી તો એમણે અમને પરમિશન માટે આશ્વાસન આપ્યું, જરૂરી જે કંઈ ગાઈડલાઇન હતી એ આપી, એ અમે પૂરું કર્યું। અને અહીંયાના જે લોકલ જે હેલ્થ ઓફિસર છે PHCના, એમણે અમને રિક્વેસ્ટ પર તરત એમણે મેડિકલ ઇશ્યુના જે કંઈ ફોર્મેલિટી હતી પૂરી કરીને અમને મેડિકલ સર્ટિફિકેટ ઇશ્યુ કરી આપ્યા દીકરીઓના, અને એ બધું કર્યા પછી અમને પરમિશનો મળી ગઈ અને બસની વ્યવસ્થા કરી। અને એ પછી અહીંયાથી અમે લોકોએ જે કંઈ વેલ્સપન કંપનીના છે એમને અમે પૂછ્યું તો એ લોકોએ કોઈ જાતની હેલ્પ કરી નથી। આ છોકરી લોકો પ્રધાનમંત્રી કૌશલ યોજના તહેત અહીંયા કામ કરવા આવી હતી છત્તીસગઢથી। એ લોકો લગભગ પાછલા 5 મહિનાથી અહીંયા કામ કરે છે અને આ લોકડાઉન થયું ત્યારથી 2.5 મહિનાથી એ લોકો અહીંયા ફસાયેલી હતી, તો હવે એ લોકોને પરમિશન અને બધું કરાવીને એ લોકોને પોતાના ઘરે આજે મોકલી છે। કઈ રીતનો ખર્ચ થયો છે, કોણે ભોગવ્યો છે? આ આમાં અમુક યોગદાન અમે કર્યું છે, બાકી છોકરીઓ પોતે જ કરે છે। બસને ખાસ કરીને સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે છે, કઈ કઈ પ્રકારની કાળજી રાખવામાં આવે છે? બસને કાલે વોશ કરાવી છે પહેલે, આજે એનું સેનિટાઈઝિંગ થયું છે છોકરી લોકોને બેસાડવા પહેલાં, અને છોકરીઓને અમે નવા માસ્ક આપીએ છીએ
એ લોકોને ફૂડ પેકેટ આપ્યા છે અને રસ્તામાં ખાવાની વ્યવસ્થા કરેલી. ક્યાં બસ જવાની, કેટલા દિવસે પહોંચશે? બસ જશે ધમતરી છત્તીસગઢ અને લગભગ 1.5 દિવસમાં બસ પહોંચશે ત્યાં. સરકાર દ્વારા કઈ રીતે મુશ્કેલી થઈ આપને, કઈ રીતે? સરકાર દ્વારા મુશ્કેલી તો કોઈ નથી થઈ, પરમિશનમાં સરકારે અમને સારી હેલ્પ કરી છે. વલસાડના કલેક્ટરે અને ધમતરીના કલેક્ટરે એ લોકોએ અમારી પરમિશન તરત કરીને અમને એ રીતે સારો સહાય કર્યો છે.